पावर ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिए मान लीजिए एक लेंस आपका ये है जिसकी फोकल लेंथ क्या भी है f1 है, एक लेंस आपका ये है जिसकी फोकल लेंथ क्या भी है f2 है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आपका d है एरिया। तो इस केस में अगर आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ की डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है कराने को मैं करा दूं, बहुत लंबी छोटी डेरिवेशन है इसकी एरिया, तो इसलिए डेरिवेशन को आवश्यकता नहीं है, ना एनसीईआरटी में नहीं पर है, बस का फार्मूला आपको याद रखना है। तो इस केस में भी है वैसे इस बगैर फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता फिर भी आप निकालोगे, लेकिन आप फॉर्मूला पता रहेगा तो आप एक दो लाइन में निकाल लोगे। तो इस केस में जो आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ पता, इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी जो इन दोनों कॉम्बिनेशन की, वो भी आपकी 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 प्लस सॉरी माइनस ये होगा आपका भैया d अपॉन में f1 f2। d क्या भैया इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन, d क्या भैया इन दोनों लेंसेज के बीच का आपका सेपरेशन है। तो जब आपके दो लेंस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, जो डिस्टेंस क्या उनके बीच में d है, तो उस केस में आप इन दोनों की जो इफेक्टिव लेंस फोकल लेंथ निकालोगे वो आपको कुछ इस तरीके से निकालनी है, ठीक है भैया। और जब आपको इसी कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव पावर पूछेगा तो भैया कुछ कोई दिक्कत नहीं है इफेक्टिव पावर, ठीक है भैया। ये क्या हुआ पी वन, ये क्या हो गया आपका पी टू, और ये एफ वन एफ टू जो ऊपर जाएंगे तो क्या माइनस पी वन पी टू इंटू में डी, ठीक है भैया। तो ये इफेक्टिव पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया जब आपके लेंस कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड हो, और ये इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया। इसके ऊपर एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अब मैं बता दूंगा अभी लास्ट में आपका फॉर्मूला लगा होगा तो सीधा सीधा आपको आंसर निकल आएगा। इसकी पावर पी वन है और इस लेंस की पावर क्या भैया पी टू है, ठीक है भैया। फॉर्मूला सुन गया तो फोकल लेंथ और पावर दोनों को ही पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और कंकेव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, और अगर कॉन्वेक्स कन्वेक्स का कंकेव दोनों ही है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव के साथ लिखना। बड़ा क्लियर है फॉर्मूला, ये क्लियर है, अच्छा इसको किसको क्लियर जल्दी बता दो आगे बढ़ते हुए, ठीक है। जब दो लेंस के बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है भैया, जब दो लेंस कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है उस केस में आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वो टॉपिक है भैया आपका प्रिज्म, टॉपिक डाल दीजिए भैया अपनी कॉपी में प्रिज्म, ठीक है भैया प्रिज्म। ठीक है भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, तो जो सिलेबस में है वो केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। जो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है उसको रहने देंगे, अगर ये आप लोग बोलोगे तो उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है भैया। आसान है प्रिज्म, ठीक है भैया ध्यान दीजिए प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो भैया प्रिज्म कुछ इस शेप का होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। ये ट्रांसपेरेंट होती है जिसका मतलब होता है जिस मटेरियल का, इस बॉटम को हम बेस कहते हैं, बॉटम को हम बेस कहते हैं, ठीक है भैया। बॉटम इस टॉप को हम एपेक्स कहते हैं, एपेक्स, ठीक है भैया। ये जो एंगल बनता है इस एक को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है भैया। इसके दो फेज होते हैं, एक फेज ये होता है एक फेज ये होता है, इन दोनों फेजेस को हम रिफ्रैक्टिंग फेज कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेज, ठीक है भैया। तो ये नॉर्मली आपका प्रिज्म बन गया, ठीक है भैया, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए भैया इसकी फोटो ले लीजिए भैया, ज्यादा कुछ की डेफिनेशन वगैरह हमें लिखनी नहीं है, ठीक है भैया। प्रिज्म होगा आपका, बेटा आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म के अंदर एक टॉपिक आता है मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं मिनिमम डेविएशन, क्या होता है। देखिए भैया जब भी आपकी इंसिडेंट रे आती है तो प्रिज्म में जाने की वजह से उसके पाथ में क्या होता है कुछ चेंज आ जाता है, कुछ एंगल का चेंज आ जाता है, उस जो एंगल का चेंज आता है उसके पाथ में जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, उसके पाथ में जितने एंगल का चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं डेविएशन कहते हैं, डेविएशन। देखिए भैया क्या होता है डेविएशन, चलो तो ये हो गया होगा भैया प्रिज्म, प्रिज्म का टॉप पॉइंट अपेक्स, बॉटम पॉइंट बेस कहलाता है, ये दोनों साइड रिफ्रैक्टिंग फेस कहलाती है, और ये जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है भैया। और ये एंगल डिपेंड करता है कि प्रिज्म आपका किस टाइप का है, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, या फिर किसी और टाइप का प्रिज्म होगा तो ये आपका एंगल मेंशन करके रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया और बात करते भैया
मिनिमम डेविएशन, और डेविएशन की बात करते हैं, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रिज्म है, डायग्राम आप बड़ा बनाना, साफ बनाना ठीक है भैया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ठीक है। ये आपका प्रिज्म है ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, ये इस फेस का नॉर्मल है, इस फेस का नॉर्मल है, और ये इस फेस का नॉर्मल है, इस फेस का नॉर्मल ये है और इस फेस का नॉर्मल ये है, इसको एन वन लिख देता हूं मैं और इस फेस के नॉर्मल को मैं एन टू लिख देता हूं ठीक है भैया। ये दोनों फेस पे मैंने नॉर्मल खींच दिया ठीक है भैया। ये आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एरिया आपकी ठीक है, जो एंगल बना इसको मैंने आई वन कह दिया ठीक है भैया। आपको पता लाइक यहाँ ये क्या होगा, रेयर होगा और ये क्या होगा भैया, डेंसर होगा, क्लियर भी सबको। अब देखिए भैया लाइट कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो क्या होगा भैया, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी, तो सब जानते हैं भैया लाइट आपकी रेयर से डेंसर आती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड पे आती है, तो कुछ इस तरीके से बैंड होगी ठीक है भैया, लाइट कुछ इस तरीके से बैंड हो गई। लाइट कुछ इस तरीके से आपकी बैंड होगी, और बैंड होने के बाद जब देखिए भैया यहां से आप अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो लाइट डेंसर से कह रही है रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्यों होगी, यहाँ पर लगा दो एक प्रिज्म, एक वो प्लेन मिरर लगा दो ठीक है, प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर लाइट अगर पड़ती है तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई वापसी आ जाती है, वापसी इसी पाथ पे आ जाती है, तीर तार के निशान नहीं बनाया जाता क्योंकि डायग्राम आपका खराब हो जाएगा ठीक है भैया। तो लाइट ऐसे गई, ये तो इसे कहते हैं भैया इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं भैया इंसिडेंट रे, और ये जो प्रिज्म से बाहर निकली है, ये जो प्रिज्म से बाहर निकली है उसको कहते हैं भैया एमर्जेंट रे। तो आप देख रहे हो भैया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या ये है आपकी ठीक है भैया, और एमर्जेंट रे की डायरेक्शन क्या ये है जो बाहर निकली है ठीक है भैया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या भैया आपकी ये है, और जो लाइट बाहर निकली है उसकी डायरेक्शन ये है ठीक है भैया, एमर्जेंट रे जिसे हम जो लाइट बाहर निकली है प्रिज्म से उसको हमने एमर्जेंट रे बोला, जो लाइट एंट्री मार रही थी उसे हमने इंसिडेंट रे बोला। तो आपने देखा रे तो वही है बस उसके पाथ में क्या हो गया चेंज हो गया, ऐसे गई ऐसे चेंज हुआ ऐसे चेंज हुआ, तो जितने एंगल का चेंज आता है इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं भैया एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं भैया एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम क्या लिखे इसकी डेफिनेशन, इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, तो इट इज दी एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बेटा किसको किसको क्लियर है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसको किसको क्लियर है, जल्दी हाथ खड़ा कर लीजिए भैया, जिसको जिसको एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर है वो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, आगे बढ़ते फिर चलो भैया, काफी बच्चों को क्लियर है, एक सेकंड जाओ इंक डालो बस। तो भैया इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं ठीक है भैया, और बता दिया कैसे, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो चलो देखते हैं भैया, पहले थोड़ा जरा मैथमेटिक्स लगा ले ठीक है। ये एंगल क्या कहता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, सबको पता है ये वाला एंगल क्या कहता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको पता है ये नॉर्मल है तो ये वाली साइड दिख गया, अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल देखिए भैया आई वन है आपका, ये एंगल आई वन है और ये लाइट ऐसे जाके ऐसे चली, तो ये तो नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है ये नॉर्मल है, तो इस लाइट ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट है, इसने नॉर्मल के साथ आई वन एंगल बनाया, बाद में ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये क्या हुआ R1 एंगल बना देगी यहाँ पर ठीक है भैया, बिल्कुल सेम ऐसे ही जब लाइट यहाँ पे आ रही थी तो वो I2 एंगल था, और जब लाइट यहाँ पर अंदर आई तो क्या रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसने यहाँ पे R2 एंगल बना दिया ठीक है भैया। अच्छा एक बार बता दूं मैं आपको, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को देखोगे आप तो ये R1 एंगल है और ये R2 एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया 180 माइनस R1 plus R2 ठीक है भैया, ये वाला एंगल R1 है और ये वाला एंगल R2 है, और मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो
और तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस आर वन प्लस आर टू के सम के बराबर हो। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल कितना होगा बता मुझे, ये वाला एंगल जो एंगल है इतना वाला, थोड़ा इसको अलग कर दूं थोड़ा एंगल, ये वाला एंगल कितना बड़ा होगा, ये क्या होगा फिर बताएगा मुझे, ये वाला एंगल क्या होगा जल्दी बताइए भैया, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी जहां पर मैंने अभी तीर का निशान लगाया, कौन बताएगा मुझे। देखिए भैया जैसा कि आपको पता है ये वाला एंगल आपका आई वन है, ये आई वन है तो ये पूरा आपका आई वन होगा, यहां से यहां तक पूरा देखिए ये आई वन होगा पूरा, अगर ये उसमें आर वन है तो क्या आई वन माइनस आर वन, बड़ा क्लियर है सबको ये एंगल आई वन माइनस आर वन सबको क्लियर है, हाथ खड़ा कर लीजिए भैया जिसको इसको क्लियर है आई वन माइनस आर वन, ठीक है भैया चलो ठीक है ये क्लियर। अब देखिए बिल्कुल सेम ये आई टू है तो ये भी पूरा आई टू होगा ये वाला पूरा एंगल, लेकिन आपको पता है ये तो आर टू है तो ये कितना होगा भैया, तो आपका आई टू माइनस आर टू ये वाला एंगल भी शायद आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है भैया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटर बन गया, आप ये देखिए ये देखिए पूरा क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है क्वाड्रिलेटर ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए भैया नाम देता हूँ मैं इसको, ए तो नाम ऑलरेडी दे रखा है, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ डी, इसको नाम देता हूँ भैया ओ, इस पॉइंट को इस वाले लाइन को, ठीक है भैया इस पॉइंट को जहां पर ये इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे आपस में काट दिया उसको हमने ओ नाम दिया, ठीक है भैया बस डायग्राम बन चुका है, इससे ज्यादा इस डायग्राम में और कुछ चीजें नहीं बननी है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वाड्रिलेटर को अच्छा इस ट्रायंगल को पहले ठीक है इस ट्रायंगल छोड़ो इस ट्रायंगल को छोड़ देता पहले मैं इस क्वाड्रिलेटर को लेता हूं, ऑन टेकिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ठीक है भैया इस क्वाड्रिलेटर में ये एंगल क्या भैया ए, चलो भैया ए लिख दिया, ये वाला एंगल कितना होगा भैया, ये वाला एंगल कितना होगा इस क्वाड्रिलेटरल का, ये वाला एंगल कितना होगा चलता है ये वाला एंगल कौन बताएगा, अब 90 डिग्री है क्योंकि आपको पता ना ये तो नॉर्मल है और ये इसके ऊपर ये चीज क्या नॉर्मल देगा भाई एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल क्वाड्रिलेटर में क्या होगा 180 माइनस आर वन प्लस आर टू हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल क्या भैया तो आपको पता है ये इंसिडेंट है ये नॉर्मल है इंसिडेंट है नॉर्मल, ये वाला एंगल कितना हो गया ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। और दूसरा फिर भैया आपको पता है चार एंगल जोड़ दिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी ये वाला एंगल, ठीक है भैया तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है भैया सारे एंगल का सब क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो ए प्लस 90 एक्स्ट्रा सी 90 तो क्या 360 हो गया, आर वन प्लस आर टू हो गया और बराबर में 360, ठीक है भैया 360 से 360 क्या आपका कैंसिल हो गया, तो ए क्या आ गया भैया आर वन प्लस आर टू। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन किसको किसको क्लियर है, ये रिलेशन किसको किसको क्लियर है जल्दी से बता दीजिए मुझे जल्दी से फटाफट, ये वाला रिलेशन जो मैंने किया है वो किसको किसको क्लियर है, सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिसको क्लियर है, जिसने हाथ नहीं खड़ा करा वो फेल है इस बारी, ठीक है भैया तो मोस्टली सारे बच्चों को लगभग क्लियर है ये वाली, ठीक है भैया अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है भैया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो अब देखिए भैया ये हम लोग क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आपको पता है भैया अगर मैं इस ट्रायंगल की ट्रायंगल ओबीडी इस वाले ट्रायंगल में देखिए इस वाले ट्रायंगल में तो डेल्टा क्या है ट्रायंगल ओबीडी में अगर हम देखें तो यहां पर आपका डेल्टा क्या भैया एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला एंगल क्या भैया इंटीरियर एंगल है, आपको पता भैया डेल्टा इक्वल्स टू में दोनों इंटीरियर एंगल जो कि है डेल्टा क्या एक्सटीरियर एंगल है दोनों इंटीरियर एंगल के सबके बराबर आएगा आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, ठीक है भैया तो ये हो गया उसको हमने सॉल्व किया था क्या आई वन प्लस आई टू और ये क्या हो गया माइनस यहाँ पर भी है माइनस के आगे भी है माइनस को ले लीजिए तो आर वन प्लस आर टू बेटिया भैया तो हमें पता भैया ये फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा की वैल्यू क्या है भैया I1 plus I2 और इसकी वैल्यू क्या रखी है तो आपको पता है एंगल ऑफ A के बराबर आते हैं प्रिज्म के बराबर आते हैं तो माइनस A दैट इज अ फार्मूला ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये फार्मूला है बेटा किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो भैया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भैया
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खास हम खास एकदम फॉर्मूला है ये एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है भैया। तो बता दिया मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो मैंने बोला इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के पाथ में जो चेंज आता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। उसको कैलकुलेट किया हमने, हमने पहले भैया एंगल सारे डिसाइड किया, आपको पता है किस तरीके से डिसाइड किया हमने, ठीक है भैया। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भैया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मिनिमम डेविएशन टॉपिक का नाम है भैया, इसी प्रिज्म का ही टॉपिक है, ठीक है भैया। और उस टॉपिक का नाम है भैया कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है भैया। ये वैसे कोई टॉपिक नहीं है आपके, इसमें इसे आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है क्लास में, और देखोगे कि ये डेल्टा जो डेल्टा आया है, ठीक है भैया, कैसे करना है भैया। देखिए प्रिज्म रखना है, प्रिज्म के इधर साइड में नीडल गाड़नी है, दूसरी साइड से नीडल को देखना है, ठीक है भैया। जिस साइड में जिस लाइन में आपने नीडल गाड़ी है वो इंसिडेंट रे हो गई, जिस दूसरी साइड से आप फेस से देख रहे हो, इस फेस से देख रहे हो, तो ये एमरजेंट रे हो गई, ठीक है भैया। आपको एक लाइन में लाना होता सारा कुछ, क्योंकि एक रे है तो एक लाइन में ही दिखेगी आपको दूसरी साइड से, ठीक है भैया। तो इस कंडीशन में आप अलग अलग एंगल को देखते हो और उस एंगल पर आप डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, और आप अलग अलग आई पे, अलग अलग आई वन आई टू पे आप देखोगे तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या भी अलग अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग अलग बदलती रहेगी लगातार। जिस एंगल पर, जिस आई वन आई टू पर ये सबसे कम आता है, इसकी वैल्यू जब सबसे कम आती है, डेल्टा की वैल्यू जब सबसे कम आती है, डेविएशन की वैल्यू सबसे कम आती है, इसे हम कहते हैं भैया एंगल ऑफ मिनिमम, सॉरी मिनिमम डेविएशन। इसे क्या कहते हैं भैया, मिनिमम डेविएशन। तो खैर वो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे उस चीज की कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि आपको ये डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा, इस डेल्टा जो मिनिमम डेविएशन हुआ है, इस डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब रहेगी, तब आपको ये पता होना चाहिए, जो कंडीशन मैं बता जा रहा हूँ। तो इसलिए अभी कंडीशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है भैया। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली इसका यूज करना है, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है भैया। सो ये क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है भैया। मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होगी, ठीक है भैया। चलो देखते हैं, ठीक है भैया। तो पहले बता दूं भैया कि ये एक प्रिज्म बना देते हैं यहाँ पर, प्रिज्म, ठीक है भैया, साइड में छोटा सा, ये नॉर्मल है पहले फेस का, ये दूसरे फेस का नॉर्मल है एंगल, ठीक है भैया। लाइट गई, ये एंगल आई वन बना, ये एंगल आर बना, इसे रे कह देता हूँ, रे जो अंदर वाली का जा रही है इसे रे कहता हूँ, रे, ठीक है भैया। और ये आपका आई टू बना और ये आपका आर टू बन गया, ठीक है भैया। ये लाइट गई ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर मान लीजिए आपने मिरर रखा तो वापसी लाइट रिफ्लेक्स करती है, वापसी आती है, ठीक है भैया, ये बन गया, ठीक है भैया। अब कह रहे हैं भैया मिनिमम डेविएशन, यानी जो डेल्टा आएगा, डेल्टा कहाँ आएगा, ए देखो एरा, ये रहा डेल्टा, तो डेल्टा मिनिमम कब रहेगा, ठीक है भैया। तो ये हमें नोटिस करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि आपका जो डेल्टा सबसे मिनिमम वैल्यू जब आती है, जब कब आती है, जब आई वन इक्वल्स टू में आई टू, जब ये वाला एंगल इसके बराबर, दूसरी कंडीशन क्या भैया, आर वन इक्वल्स टू में आर टू, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर, और एक थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन क्या है भैया, कि आपका जो आपका जो ये रे है, ये वाली रे, वो इस बेस के क्या है भैया, पैरेलल आ जाए, रे पैरेलल टू बेस, ठीक है। ये जो रे है वो बेस के क्या हो जाए बच्चा, आपकी पैरेलल हो जाए। तो ये तीन कंडीशन जो है आपकी मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। इन सारी कंडीशन में जब भी बात की जाएगी तो डेल्टा हमेशा क्या रहेगा भैया, मिनिमम रहेगा। तो ये जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू लीस्ट रहेगी, ठीक है भैया, इसकी वैल्यू लीस्ट रहेगी, ठीक है भैया। इस चीज को ध्यान रखना है, आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसको पक्का करोगे, ठीक है बच्चा, ठीक है भाई लोग। ठीक है चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, और इसका यूज हमें न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा करना है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज हमें सीधा सीधा करना है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ठीक है भैया। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, ये सारी कंडीशन को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, अगला आता है, ठीक है भैया, प्रिज्म फॉर्मूला। और एक बात ध्यान रखना, प्रिज्म फॉर्मूला आप हमेशा मिनिमम डेविएशन में ही यूज करोगे। प्रिज्म फॉर्मूला जब भी डिराइव किया जाएगा, जब भी यूज किया जाएगा, तो वो कंडीशन हमेशा मिनिमम डेविएशन की ही होगी।
दूसरी कंडीशन में आप प्रिज्म फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है भैया। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा क्योंकि थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट किया मैंने, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और हमेशा ये दे रहा हूँ कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में ही वैलिड रहता है। प्रिज्म फॉर्मूला कहाँ पे रहता है भैया? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में ही वैलिड रहता है। चलो देखते हैं भैया, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, ये है, ठीक है। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या है? एज वी नो इफ लाइट मूव्स रियर टू डेंसर, रियर से डेंसर में आ रही है, रियर है और अंदर डेंसर है, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आपको पता है भैया म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, सबको पता भैया। अगर लाइट एक से ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का क्या लिया, पहले मीडियम का एक है, दूसरे मीडियम का मैंने म्यू ले लिया, तो जो स्नेल्स लॉ होगा ये होगा किस पर, किस पे आता भैया स्नेल्स लॉ? यही होगा स्नेल्स लॉ हमारा, किस बच्चे पर आने वाला, सबको याद होगा, ठीक है भैया। जब लाइट आपकी एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जिसकी वैल्यू म्यू है उसमें जाती है, तो आपका स्नेल्स लॉ क्या होगा भैया? आपका आई आई मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। अब आपको ये पहली इक्वेशन पढ़ लेनी है, आपको पता भी है वी जो आर वन अभी बताया था मैंने आपको, एक डब्बे में रखा था रिलेशन आर वन का साइड इक्वल्स टू में ए होता है, ठीक है, आर वन का साइड इक्वल्स टू में ए होता है, सब जानते भैया। बट इन मिनिमम डेविएशन क्योंकि आप जानते भैया जब प्रिंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कंडीशन किसकी रहेगी? मिनिमम डेविएशन कंडीशन रहेगी। बट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता भैया आर वन आर टू दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आर वन इक्वल्स टू में आर टू इक्वल्स टू में आर, तो ये जो होगा आपका क्या होगा? आर वन की जगह पे भी आर यूज करूंगा, आर टू की जगह पे भी आर यूज करूंगा और ये क्या होगा ए, तो टू आर इक्वल्स टू में ए, तो आर की वैल्यू क्या होगी? ए अपॉन में टू, ठीक है भैया। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी ए बाय में टू, ठीक है भैया। अब दूसरा देखिए, आई की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है भैया, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो क्या कि भैया अगर आप देखोगे, ठीक है भैया, तो क्या होता है आई वन प्लस आई टू माइनस ए इक्वल्स टू में डेल्टा। अभी आपको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगानी है, यहाँ पर आपका डेल्टा भी क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि आपको पता प्रिंस फॉर्मूला हमेशा मिनिमम डेविएशन में अप्लाई होता है, तो इस केस में क्या होगा? डेल्टा को आपको मिनिमम भी देना ए और ये आई वन आई टू आपको भी पहले बताया था डेविएशन रिलेशन पूछिए, ठीक है भैया। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये है आई वन क्या आई टू के बराबर है और इन दोनों की वैल्यू मैंने आई ली है, तो क्या हुआ आई आई और ए को उधर लिया तो डेल्टा मिनिमम क्या होगा भैया? प्लस ए हो जाएगा, तो टू आई इक्वल्स टू क्या डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो यहाँ पर जो आपके आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी? डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में टू, ये क्या होगा? आई की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू यह रखी है, आई की वैल्यू यह आ रखी है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो क्या होगा? डन, म्यू इक्वल्स टू में साइन आई की वैल्यू क्या भैया? देखिए डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में टू और आर की वैल्यू क्या रखी भैया? देखिए आर की वैल्यू यह रखी, तो साइन आर अपॉन में टू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है भैया। और ये फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये ध्यान रखना भैया कि ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है भैया। यानी आई वन इक्वल्स टू में आई टू, आर वन इक्वल्स टू में आर टू और रे जो है वो क्या भी आपका सॉरी हाँ सॉरी ये मेरी गलती होगी, ए बाय में टू, ए बाय में टू, ठीक है भैया, आर बाय में टू, टू की जगह पे, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। जल्दी से लास्ट टॉपिक डाल दीजिए भैया, लास्ट टॉपिक आज का थिन प्रिज्म फॉर्मूला, थिन प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है भैया, ये भी है, ठीक है भैया, काफी ज्यादा आता है ये टॉपिक, ठीक है भैया। एनसीईआरटी के मैथड से करेंगे जो एनसीईआरटी में रखा है थिन प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो आई थिंक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बच्चे हाथ खड़ा कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला और ये हमेशा हमेशा अप्लाई होगा आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, ठीक है भैया। बात करते हैं आगे थिन प्रिज्म फॉर्मूला, एनसीईआरटी के मेथड से करा रहे हो, ठीक है भैया, बाकी दूसरे मेथड भी है लेकिन वो लेंथी है थोड़ा, ठीक है भैया। थिन प्रिज्म फॉर्मूला,
कल क्वेश्चन करने, इसलिए मैं आज ये सारे टॉपिक करा दे रहा हूँ, ठीक है इनके ऊपर। ठीक है, तो आपको ने अभी देखा म्यू इक्वल्स टू में साइन डेल्टा प्लस ए अपॉन में टू अपॉन में साइन ए बाय में टू, ठीक है भैया। ये अभी रिलेशन हमने देखा, ठीक है भैया। और मैं बात करने आ रहा हूँ थिन प्रिज्म की, तो भैया बता दो भैया थिन प्रिज्म के केस में सारे एंगल क्या होते भैया? अगर प्रिज्म बहुत छोटा होगा तो वहां पर जो रे का इंट्रेक्शन होगा अंदर की तरफ प्रिज्म के अंदर वो बहुत कम होगा, बहुत छोटे छोटे लेवल पे होगा, बहुत कम डेविएशन आएगा। तो जब भी मैं थिन प्रिज्म की बात करूंगा तो ऑल एंगल्स आर टू स्मॉल, सारे एंगल क्या होंगे बहुत छोटे होंगे, छोटे होंगे। इफ प्रिज्म इज थिन, प्रिज्म इज थिन, then all angles involved in calculation, calculation are too small, सारे एंगल को कैलकुलेशन में लेकर ना भैया बहुत छोटा लेके चलना है। अगर आपका प्रिज्म बहुत पतला है, थिन है, तो आप खुद ही देख रहे हो भैया, अगर प्रिज्म जीरो होता तो डेविएशन वगैरह आई वाई सब कुछ क्या होता है, कमी आता है। तो उस केस में जब भी आप थिन प्रिज्म की बात करोगे तो आपके सारे एंगल्स क्या होंगे बहुत छोटे होंगे, तो आप क्या लिखते हो इसको म्यू। अब एंगल छोटे हैं तो साइन बता दीजिए, डेल्टा ए अपॉन में टू, यहां पर भी साइन हट जाएगा तो ए बाय में टू, टू से टू क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हुआ डेल्टा ए अपॉन में ए, तो ए हो जाएगा भैया डेल्टा प्लस ए, और क्या हुआ म्यू ए हो गया, डेल्टा उधर ले जाइए तो क्या हुआ म्यू ए माइनस ए हो गया, तो डेल्टा इक्वल्स टू में ए कॉमन ले लीजिए म्यू माइनस वन हो गया, दैट इज द मिनिमम डेविएशन या थिन प्रिज्म फार्मूला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अच्छा थिन प्रिज्म फार्मूला। किसको किसको क्लियर है भैया थिन प्रिज्म फार्मूला, जल्दी से आंसर लगा लीजिए, जल्दी बता दो आंसर लगा लो भैया, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी। थिन प्रिज्म फार्मूला किसको किसको क्लियर है, ठीक है भैया। तो मैं आज क्लास को यहीं विराम देता हूँ, ठीक है भैया। आई होप कि आप लोगों को सुन में आया होगा, ठीक है, एक बार और रिकॉर्डिंग देख लें ताकि आप अच्छे से और क्लियर हो जाए, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।